हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और किन किन चुनौतियों का ध्यान रखकर यह इलेक्ट्रॉनिक कार बना सकते हैं, इसके बारे में माहिती देना चाहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि आप यह कार बनाने के लिए सोचते हैं तो आप सबसे पहले किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट के सलाह लेकर उसे बनाए। और वीडियो में जो कुछ भी बताया है उसमें और आपकी रीत अलग भी हो सकती है, तो आप इसे पूरी सावधानी से बनाए। अगर पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जिसे आप क्लिक कर वह दोनों पार्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ आपको बताया है कि किस तरह से हम कार डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह से मोटर और बैटरी रख सकते हैं। और दूसरे पार्ट में कार के वायर के और बैटरी के कनेक्शन के बारे में बताया हुआ है, तो आप इस तरह अपनी रीत से अपने हिसाब से कार बना सकते हैं और कार की डिजाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब किन किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बारिश के मौसम में पानी की वजह से कोई दिक्कत ना आ सके, उस तरह से हमें डिजाइन करनी होगी। दूसरी चुनौती यह कि कार जब चलती है तब मोटर गर्म होती है और बैटरी भी गर्म होती है, तो दोस्तों इसको ठंडा रखने के लिए बाहर की फ्रेश हवा अंदर जानी चाहिए और अंदर की गर्म हवा बाहर निकलनी चाहिए, तो इस तरीके से हमें डिजाइन करनी होगी। तीसरी चुनौती यह है कि कार जब हिल पर चढ़ती है तब उसमें बैटरी और मोटर बहुत लोड पकड़ती है, तो दोस्तों इस संयोग में क्या होता है कि बैटरी और मोटर जरूरत के हिसाब से ज्यादा गर्म होने लगती है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको बैटरी और मोटर ज्यादा गर्म ना हो पाए, इस तरह से आपको नाप निकालकर उसमें रखना होगा। इसके लिए आपको कम समय में ज्यादा चार्जिंग हो जाए और फुल चार्जिंग हो जाए, इस तरह का सिस्टम आपको डालना होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी हिल पर चढ़ती है तब बैटरी का इस्तेमाल ज्यादा होता है और गाड़ी की एवरेज भी कम होने लगती है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कम अंतर में बैटरी को ज्यादा चार्जिंग करें, इस तरीके की सिस्टम हमें रखनी होगी। अब नेक्स्ट आता है जब आपकी कार की बैटरी फुल होती है, यानी कि 100% चार्ज होती है, तब की पिकअप ज्यादा होती है। यानी कि ये कहना चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी जब फुल चार्ज होगी तब की पिकअप मान लीजिए 1000 है, और जब आपकी बैटरी 30% होगी तब भी 1000 पिकअप ही देनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से सिस्टम हमें लगानी होगी। अब नेक्स्ट आता है कार कितने किलो का वजन लोड करके खींच पाती है। तो दोस्तों यह आपके मोटर और बैटरी की कैपेसिटी पर आधार रहेगा। इसके अलावा आपको कार में एक चार्जिंग का पॉइंट भी रखना होगा। तो दोस्तों किसी कारणवश चार्जिंग करने की जरूरत हो गई तो वह चार्जिंग का पॉइंट चार्जिंग करके गाड़ी की बैटरी फुल करके सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक कार के फायदे के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, गैस या चार्जिंग करने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें काफी सारे हमारे पैसे भी बर्बाद होने से बच सकते हैं, और यह ऑटोमेटिक चार्जिंग वाली कार आपके परेशानियों को खत्म कर देगी और लंबे सफर तक आपके साथ चलती रहेगी। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कार में किसी भी प्रकार का ईंधन इस्तेमाल न होने के कारण पर्यावरण में भी सुधार ला सकते हैं और साथ में मनुष्य के हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कार का मेंटेनेंस कम से कम आय उस तरह से बनानी होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम कार बना सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं, मनुष्य के हेल्थ को सुधार सकते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ ईंधन को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।